पेणी कर्मा की बामण मंत्र फोटो खेची आज आप दूल्हे हैं तो कैसा लग रहा है? आज मेरे को काफी बढ़िया चीत आई रहा है। हाँ बोलो बोलो। आज आप दूल्हे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? आज मैं बहुत ही बढ़िया चिता रहा हूँ और फाइनली आज मैं वर बनने जा रहा हूँ। माँ कसम कल जन्म ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पिथौरागढ़ से आए और आपने हमारी काम काज की शान बढ़ाई और मेरे लिए कंटेंट तैयार किया। तो दोस्तों कैमरे के पीछे हैं दीपू, तो भाई का भी यूट्यूब चैनल है लोफर ब्लॉगर दीप जोशी करके, तो थोड़ा सा कृपा यहाँ भी बरसा देना दोस्तों, काफी समय से मेहनत कर रहे हैं। इंस्टाग्राम में आप इनको फॉलो कर सकते हैं, दीप जोशी करके मिल जाएंगे। बड़े भाई साहब की आपकी शादी है तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बहुत ही ऊँचे मतलब आप गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस आप सभी को मान्यवर पवन पहाड़ी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आप लोगों को मैंने निमंत्रण किया और आप लोग आए। जो नहीं आ पाए कोई बात नहीं, मैं उसे निशानी रखा हूँ दगड़ियों, तुम जरूर नामगंज में आओगे, ठीक है? अभी फिलहाल जो शादी में आगे आगे तो न्यूज नहीं दिया करके नाराज मत होना दोस्तों। आप समझ सकते हो 2-2.5 लाख लोगों का ये परिवार है, जिसमें से 1-1.5 लाख का तो निमंत्रण पहुंच चुका था और 1-1.5 लाख को मैं जरूर नामकरण में बुलाऊंगा दगड़ियों, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। फिर जो बच जाएंगे तो उनको मैं दूसरे नामकरण में बुलाऊंगा दगड़ियों। फाइनली दोस्तों कंकड़ बज चुका है, कंकड़ बजने के बाद बंधन हो जाता है, बंधन में पड़ी गया हूँ आप जन्म जन्म के, और आप इसको हमारा प्राचीन आध्यात्मिक ब्रेसलेट भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये देखिए कितना सही लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ना ये। दही खिला के आकर 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 इजा तरफ से आने का ए बखैज आकर 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 We'll be right back.
तू न जानी पहाड़ी बाकली में हम अभी पहुंच चुके हैं। पवन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बारात में बुलडोजर भी आया हुआ है। तो मैंने उत्तरा जो उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्हें निमंत्रण दिया था तो वो अपनी व्यस्तता के चलते नहीं आए हुए, तो उन्होंने उसके बदले अपनी बुलडोजर भेज रखा है। बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा की। योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहूंगा, आप शादी में नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, मेरे को तो आस लगी थी कि उत्तराखंड से हैं आप आएंगे, चलो कोई बात नहीं, नामकरण में जरूर आना, नाम आप ही रखो क्योंकि बंदा बैरागी भी हो आप। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बेरीनाग में, और बेरीनाग में बहुत भयंकर यहाँ पर जाम लगा हुआ है। ये है पीछे बर्जी की गाड़ी, बीच हमारे साथ पहुंच चुके हैं, मोबाइल और मेरा गोप्रो ट्राइपॉड सब पहुंच चुके हैं। तो हम आपको अपना फोन खोल, तो ये नवराज भैसोड़ा जी थोड़ी देर के लिए, और ये पहुंचे थल से, बहुत दूर से आए, बहुत जल्दी पहुंचे। नवराज जी की मम्मी जो थल से सीधे पवन पहाड़ी की बारात पे आई है। तो आंटी, आप रतीली में नहीं रुके? रतीली में कहां, बारात तो आ गई थी। अच्छा चलो कोई नहीं, बारात मंदिर में नहीं, पूजा में पवन पहाड़ी की शादी करके। चलो चलो कोई नहीं, आप चलो बारात एंजॉय करो। भूख लग गया, डांस डांस हो गया क्या? डांस हो गया, अब होगा ना, अभी तो पहुंची है बारात। चलो ठीक है,
पवन दाम मुर्शिदो सादो रंजू बड़ी थी बिमला जब मेरी नौकरी लगली पहाड़ा अरे क्वाट क्वाटा में अरे धर में को बकरे बो सब पठा पठ बरियाती में आयु खड़ी नी घर तो मेरा यहाँ होला घर मेरा पमशारी घर चलू जो है यहाँ पर पहुँच चुके पवन के ससुराल पक्ष से अल्मोड़ की बाल मिठाई जरगल समय तुम
है तू ही तू है जीने की आधार, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ, तू ही तू है, तू ही तू है मेरा खुदा। तू पहाड़ी की फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पवन पहाड़ी मेरा तेरी बाग सजा। यहाँ पर जलपान की व्यवस्था की गई है पवन पहाड़ी के ससुराल वासियों ने। ये है किस जो और यहाँ पर गोलगप्पे की व्यवस्था है। चिल्ला किसे था? अच्छा चौमीन टीके से डालने का स्टाइल देखिए बाबू का, ये हाइजीन क्या पे मैं खान देखा चीजों का।
सीधे पिथौरागढ़ से पहुंचे हैं और ये थल बलतीर से, साथ में मम्मी को भी लाए हैं नवराज। हमें निमंत्रण एक ही को था, मम्मी कॉम्प्लीमेंट्री आई। अभी तो हम साथ गए तो कुछ नहीं कह रहे। यहाँ कौन है? साली है क्या? साली है। साली दरवाजा कौन? हाँ खुला, खुल गया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 मीटर का एक कपड़ा बचा था, तो एक तो इस भाई के लिए सिला हमने, पवन पहाड़ी की शादी में आए हैं, तो थोड़ा जो कपड़ा बच गया था इस भाई के लिए सिलाए, जूते इसको दूसरे वाले थे पवन, मतलब सारा जो इनको स्पॉन्सरशिप है पवन पहाड़ी के घर से। भाई पिथौरागढ़ के जितने भी शिक्षा विभाग के लोग हैं सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। सौरभ जी हैं, ये छात्र संघ सांस्कृतिक अध्यक्ष, सिर्फ खाना खाने के लिए पिथौरागढ़ से यहाँ पहुंचे हैं। सौरभ जी हमारे माँ साहब, तो इनका भी यूट्यूब चैनल है जो पवन पहाड़ी जी के, थाईलैंड गए थे ना एक बार। और ये नीरज पाठक जी, अल्फा कोचिंग के मालिक, जिनका टर्नओवर करोड़ों में है। मेरा कपड़ा है। और इनका जो कपड़ा है ये 3 शादियों में यूज कर चुके हैं। मैं नवराज मिश्रा, मैं बलतीर से आया हूँ। तो मेरा एक चैनल है नवराज ब्लॉग्स, पवन पहाड़ी कभी नहीं दिखाएगा आपको। तो मैं अभी उसका फोन चोर के लाया हूँ, तो नवराज मेरे पापा का है, तो नवराज ब्लॉग्स करके मेरा चैनल है। पवन पहाड़ी इतना अच्छा ग्रेट कंटेंट क्रिएटर हो ना, ये बार मेरा कंटेंट देखना भी पवन पहाड़ी को देखना भूल जाओगे। ये सही बोला, मुझे आदमी है यार, शादी हो रही तब आया हूँ मैं, मतलब क्या कहूँ। Just kidding. तो पवन पहाड़ी को बिगाड़ने वाला शख्स यही है, पवन पहाड़ी को थाईलैंड ले जाने वाला व्यक्ति। वो तो हमें श्रीमान श्रीराजम शर्मा पुत्राय स्मते पवन नाम श्रेष्ठ नाय।